उसमें हमने देखा कि जब कोई भी भक्त अनन्य भाव से भगवान की शरण में जाता है तब प्रभु सभी कठिनाइयों सभी विपदाओं के बावजूद उसकी रक्षा करते हैं, उसके योगक्षेम का वर्णन करते हैं। परंतु जिनके अंदर अहंकार की भावना दृढ़, उनके लिए शरणागति संभव नहीं है और वे प्रभु के पास से वंचित रह जाते हैं। नांदेड़ के एक अत्यंत विद्वान शास्त्री जी पंडित और इस प्रांत में वे नांदेड़कर शास्त्री इस नाम से सुविख्यात और उनको अपनी विद्वत्ता पर अपने पांडित्य पर अत्यंत गर्व और अभिमान था। उनका ऐसा मानना था कि उनसे अधिक विद्वान इस समस्त प्रांत में कोई भी नहीं, या उनसे बड़ा पंडित उनसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं, ऐसा वो मानते थे और इसी गर्व को अपने मस्तक के ऊपर धारण करके सभी ओर सब तरफ भ्रमण किया करते थे। जहां भी शास्त्र चर्चाएं होती थी, विद्वत सभाएं आयोजित होती थी, वहां जाते बड़े बड़े विद्वान पंडितों के साथ वाद विवाद करते, तर्क करते थे और उन्हें पराजित करके उनका उपहास करते, उनका अपमान किया करते, इसलिए सारे विप्रजन उनसे घबराया करते, उनसे डरते थे। कोई भी उनके पास नहीं जाता, कोई उनसे बात नहीं करता, पता नहीं कहां कब क्या प्रश्न पूछे और हमारा अपमान करते। और एक और उनके पास खासियत थी, एक कौशल था उनके पास, ये कि चाहे उनकी बात सही हो या गलत हो, उसको वो सही सिद्ध करके बताते थे। ये विशेष कौशल उनके पास था। तो इस दौरान एक बार उन्होंने सुना कि माणिक नगर करके एक स्थान है, वहां पर माणिक प्रभु महाराज नामक एक संत रहते हैं, पहुंचे हुए ज्ञानी महात्मा हैं और उनके दरबार में भी बहुत सारे विद्वान पंडित रहते हैं उनके आश्रय में और वहां रहकर प्रभु सेवा करते हैं, ऐसा उन्होंने सुना। और ये भी सुना कि प्रभु महाराज के जो है ज्ञानी महात्मा है, वेदों के शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं और प्रभु के अवतार है, ऐसा उन्होंने सुना। जैसे ही उन्होंने ये सुना, उनके अंदर का शैतान जाग उठा और वो माणिक नगर के लिए निकल पड़े। उनका एक स्वभाव था शास्त्री जी का कि किसी की भी प्रशंसा वो सहन नहीं कर पाते, अगर किसी की स्तुति सुन भी लेते थे तो ठान लेते थे कि इसको एक बार नहीं, एक बार सबक सिखाना है। और ऐसा सोचकर उन्होंने ये ठान लिया कि अब मैं माणिक नगर जाऊंगा और वहां जितने बड़े बड़े शास्त्री पंडित विद्वान हैं प्रभु के आश्रय में, सबको वाद विवाद में पराजित करूंगा और उस प्रभु को भी अपनी विद्वत्ता से परेशान हैरान परेशान कर रखूंगा, ऐसा उन्होंने ठान लिया और एक दिन माणिक नगर के लिए निकल पड़ा। लेकिन वो क्या जानते थे कि माणिक नगर जो है ऐसे घमंडियों को दुरुस्त करने का एक बहुत बड़ा कारखाना है और प्रभु महाराज जो है ऐसे अभिमानियों को ही सबक सिखाने के लिए अपने हाथों में दंड धारण किया करते हैं। अभी देखिए आप प्रभु महाराज जो है दंड के साथ विराजित हैं, वो ऐसों को सबक सिखाने के लिए, ऐसों को दंडित करने के लिए। शास्त्री जी माणिक नगर आए और एक स्थान पर कहीं माणिक नगर में किसी के घर में रहने लगे। अब उनकी ऐसी अपेक्षा थी कि प्रभु उन्हें बुलाए दरबार में और आदर सत्कार करें, सम्मानित करें, स्वागत करें, प्रशंसा करें। प्रतीक्षा करने लगे, एक दिन बीत गया, दो दिन बीत गए, तीन दिन बीत गए, मुझे लगा है मैं इतना बड़ा विद्वान हूं, इतना ज्ञानी हूं, आकर यहां रह रहा हूं और फिर भी अभी तक मुझे बुलावा नहीं आया, ऐसी उनकी उपेक्षा होगी, ऐसी उनकी अपेक्षा नहीं। और उन्होंने भी ठान लिया कि जब तक प्रभु मुझे बुलाकर
सम्मानित नहीं करेंगे या उनकी तरफ से जब तक बुलावा नहीं आएगा तब तक मैं प्रभु के दरबार में नहीं जाऊंगा, प्रभु दर्शन के लिए मैं नहीं गए। सदा श्री प्रभु प्रभु सन्निधि में बना तो न सावा अहंता गुले श्री भूमि चक्पानी बैठे रहे अपने स्थान पर कि मुझे प्रभु की तरफ से बुलावा आएगा तब मैं जाऊंगा। अब सबके धैर्य की एक सीमा होती है, अलग अलग होती है। अब उनके धैर्य उनका धैर्य जो है वो उनकी सीमा वो जो है खत्म होती गई और उस तरह से उनका संताप भी बढ़ता जा रहा। वो अत्यंत संतप्त हो रहे थे कि ऐसे कैसे मेरी अवज्ञा हो रही है। और इस संताप में इस क्रोध में वो क्या करने लगे कि जहां भी प्रभु के भक्त उन्हें दिखते थे, प्रभु शिष्य जहां भी उन्हें मिलते थे उनको पकड़ना, उनको अपने पास बिठाते थे और प्रभु की निंदा करने लग जाते थे। क्या आता है तुम्हारे प्रभु को, वो तो एक जादूगर है, इस तरह से कुछ भी अनर्गल बातें कहना और ऐसा कुछ कहना कि वो शिष्य जो है प्रभु के भक्त है व्यथित हो, उनको बुरा लगे। अब हर दिन का ये माथा चलने लगा, जहां भी भक्त मिलते हैं उनको बिठाना और बात करना, प्रभु के विषय में कुछ भी कहना, उनका अपमान करना, उनकी निंदा करना। तो ये सारे लोग जो है परेशान होकर एक बार प्रभु महाराज के पास और उन्होंने बताया कि ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, आप उनको दंडित कीजिए, कुछ करिए। तो प्रभु महाराज ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। मार्गशीर्ष मास का ही समय था, बहुत ठंड की माणिक नगर थी। शास्त्री जी जो है एक दिन अपने बाहर चबूतरे पर बैठे हुए थे, धूप सेक रहे थे, तभी वहां से दत्तू नामक माई गुजर रहा था, अपने हजामत का सामान लेकर गुजर रहा था। तो शास्त्री जी ने सहज अपने दादी उन बालों के ऊपर हाथ फेरे, उन्हें लगा कि हजामत बना लेनी चाहिए, सब उनसे दादी पड़ गई। उन्होंने कहा, अरे दत्तू, दत्तू जो था वो प्रभु का अत्यंत निष्ठावान सेवक, अरे दत्तू क्यों आज मेरी हजामत बनाएगा क्या? दत्तू ने कहा, हाँ महाराज आपकी ही तो हजामत बनाने के लिए आ रहा हूं आज। उसने उसके पास कंबल थी, उस कंबल को उस चबूतरे के ऊपर उसने बिछाया और कहा बैठिए। लेकिन महाराज एक कठिनाई क्या कि ठंड के दिन है और मेरे पास पानी ठंडा है, अब मैं उस ठंडे पानी से हजामत बनाऊंगा तो आपको ही कष्ट होगा, तो कृपया थोड़े से गर्म पानी की व्यवस्था कर दीजिए, इतना कष्ट कीजिए। शास्त्री बुआ ने कहा कि क्या बात कर रहे हो, मैं बाहर गांव का आदमी हूं, यहां मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं कहां से तुम्हें गर्म पानी बना कर। तो दत्तू बहुत चतुर था, उसने कहा, क्या शास्त्री महाराज ऐसी बात कर रहे हैं, आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, मंत्र शक्ति से पानी को गर्म करके दिखाइए। तो वो हल्ला गए एकदम, ऐसा कहीं होता है मंत्रों से पानी गर्म होता है क्या? इसके लिए लकड़ी चाहिए, ईंधन चाहिए, घोड़ना चाहिए, वगैरह वगैरह चीजें चाहिए। तो दत्तू ने कहा, ठीक है महाराज मंत्रों से नहीं होता होगा, लेकिन मैंने सुना है कि हम सबके उधर में पेट में एक अग्नि होती है, अहम वैश्वान भूता प्राणी नाम दे महाराज, जिसको जठराग्नि कहते हैं, हमारे जठर में नाभि में अग्नि का वास है, उसी से पचन क्रिया होती है, तो उस अग्नि से आप पानी को तपा कर दीजिए मुझे। आप तो पहुंचे हुए सत्पुरुष है, ज्ञानी है, पंडित हैं आप, तो और भी क्रोधित हो गए शास्त्री। उन्होंने कहा कि अच्छा तू इतना विद्वान है, इतना सब कुछ जानता है, तो तू ही बनाकर दिखा गर्म पानी अपनी नाभि के ऊपर। तो दत्तू फटाक से लेट गया वहां,
बोला कि उसमें कौन सी बड़ी बात है शास्त्री जी, रखिए कटोरा मेरे पेट के ऊपर और देखिए मैं कैसे पानी को गर्म करता हूं। शास्त्री जी हंसे, ने लगा ये क्या मजाक कर रहा है। कटोरा उन्होंने दत्तू के पेट के ऊपर रख दिया। दत्तू वहां लेटा था, आंख मूंद कर लेट गया। कुछ ही क्षणों में पानी से भाप निकलने लगा, उस कटोरे से भाप निकलने लगा और देखते ही देखते वो पानी जो है उबलने लगा। जैसे ही पानी को उबलता हुआ शास्त्री जी ने देखा, वो डर के मारे थरथरा गए, कांपने लगे और रोते हुए उन्होंने दत्तू के पांव पकड़ लिए। बाहो कल्प के पांव पकड़कर रोने लगे शास्त्री महाराज। बोले दत्तू मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। दत्तू नाई ने कहा, उसने आदर पूर्वक शास्त्री जी को उठाया और बोला कि शास्त्री महाराज, मैं तो उस प्रभु का एक मामूली सेवक हूं, उनके चरणों की धूल हूं मैं। आपको चरण पकड़ने ही है तो उस प्रभु के पकड़िए, आपका उद्धार हो जाएगा। श्री माणिक पद रज भूमि है, श्री माणिक पद रज भूमि है, आत्म सुखा आत्म सुखा के स्वात्म सुखा आत्म सुखा के स्वात्म सुखा भज। ये सुनकर और भी हालत खराब हो गई शास्त्री जी की।
सीधे धड़ाम से प्रभु महाराज के चरणों में जाकर गिरे और बच्चों की तरह रोने लगे, बिलक बिलक कर रोने लगे। शतम खजरी के नो ने शतम खजरी के Ah!
का मुझे स्मरण दिया कि वो जो दत्तू नाई था उसके परिवार के लोग आज भी प्रभु सेवा में रहते हैं।